हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान को संविधान नहीं कांग्रेस बचाओ अभियान करार दिया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेताओं पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का भाजपा पर यह आरोप भी भाजपा नेताओं ने आज़ादी के समय देश के खिलाफ काम किया सरासर निराधार है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी जबकि देश को आज़ादी 1947 में मिल गई थी। आज़ादी हासिल करने में जनसंघ के लोगों की अहम भूमिका रही जिसे कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था। हाल ही में देश की सरकार के सिटीजन बिल और NRC जैसी देश हितों में लिए गए निर्माणों को जिस गलत भावना से कांग्रेस और दूसरी पार्टियां प्रचारित कर रही हैं वो इनकी हताशा का परिणाम है। कानून के प्रावधानों के मुताबिक देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता लेने का जिक्र ही नहीं है, बावजूद इसका दुष्प्रचार करने में कांग्रेस लगी हुई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सदन में जो बयान दिया, जिस भावना को 26 सितंबर 1947 धर्म के आधार पर जिनका गठन हुआ है, वहां जो अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी लगातार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निराधार बयानबाजी कर रही है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर जो आरोप लगाए, एक भी आरोप पर वो तथ्य सहित प्रमाण दें तो उसका हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, परंतु किसी भी आरोप में कोई तथ्य कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया। और आज जो उनके प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है वो सरासर झूठ की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई, जनसंघ 1949 में, और उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसकी सराहना देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी की थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किस आधार पर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं वो इसका जवाब दें। और मैं तो कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के ये सभी नेता हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व की जंग मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं। एक नेता झूठ बोलता है, दूसरा नेता उससे बढ़कर झूठ बोलता है, परंतु वो इसमें सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करती है, हमारी सरकार बनती है तब भी हम देश हित में काम करते हैं, प्रदेश हित में काम करते हैं, और हमारी ये केंद्र और प्रदेश सरकारों के कार्यकाल ने सिद्ध किया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाना भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 303 सीटें जीतकर जब हमारी सरकार बनी तो हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र के मुद्दों का समाधान करना शुरू किया। धारा 370 को हटाया, 35A को हटाया, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से राहत दिलवाई, और प्रभु राम की कृपा से राम जन्मभूमि का भी समाधान हो गया, और अब सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाकर उसको भी कानून की शक्ल दे दी, जिससे कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल बौखला गए कि पहले ही उनका आधार खिसक चुका है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी देश में 6% वोट कम कर चुकी है, इसलिए ये सब मुद्दों का हल होता जाएगा तो पूरी देश में कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया गया, और ये झूठ बोलकर अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास है जिसमें वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन जागरण अभियान छेड़ेगी, हर घर जाएगी, हर परिवार को हर व्यक्ति को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की तथ्यों की जानकारी दी जाएगी। धर्म तो इस्लाम है और वो इस्लामिक स्टेट है, इसलिए इस्लामिक स्टेट में हर मुस्लिम को मिलाया जाएगा, जातियों को नहीं देखा जाएगा, इसलिए मेजॉरिटी के आधार पर मुस्लिम से उत्पीड़न नहीं होता, अधिकतर अल्पसंख्यकों से उत्पीड़न हुआ है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है, और जो स्वाभिमानी अल्पसंख्यक वहां रहते थे
उन्होंने जब धर्म परिवर्तन नहीं किया, जब प्रताड़ना नहीं सही, वो हिंदुस्तान आ गए हैं, वर्षों से जो यहाँ भटक रहे हैं उनको सम्मान और स्वाभिमान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारा घोषणा पत्र का वायदा था जिसको हमने पूरा किया। निश्चित रूप से बेरोजगारी देश में है, परंतु ये कोई 5 या 7 साल में नहीं बढ़ी, ये कांग्रेस सरकार के वर्षों के जो कार्यकाल रहा है उसकी नाकामियों का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, अनेक ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनसे बेरोजगारी दूर हो सके, चाहे वो केंद्र में कोई भी अभियान है, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना प्रदेश में है, चाहे उसी तरह से देश में मेक इन इंडिया है, उसी तरह से कौशल विकास योजना है, उसी तरह से अनेक इस तरह की योजना जिससे स्वरोजगार पे खड़े, और सरकारी नौकरियां उसका भी जितना अधिक से अधिक प्रावधान केंद्र और प्रदेश सरकारों के समय किया जा सके। एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से रमेश वर्मा की रिपोर्ट।